पानी के सिलसिले में आवाम को एक अहम इतला, अगर आपने अभी तक वाटर बिल्स की रकम अदा नहीं की है आप जल्दी से वो रकम अदा करिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके घर में पानी आप इस्तेमाल करते हैं, आप अभी तक आपका कनेक्शन जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर अनब्रीना अंजुम जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी अंजुम जी कि ये जो आपने अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या मकसद है इस नोटिफिकेशन का, और इसमें आपने लोगों से ये भी कहा है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जो अपना बिल की जो रकम है वो अदा नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे? हमने मीडिया के हवाले से लोगों से अभी एक नोटिस जारी हमने किया है, जिसमें हमने लोगों से अपील की है कि वो जो भी उनके वाटर बिल के बकाया जात हैं 31 मार्च 2024 तक अदा करें। और यहाँ पर लोगों में मेन जो मकसद था वो लोगों में अवेयरनेस का है कि लोगों को पता चले कि आज की डेट में हम हमारे जो वाटर बिल्स हैं वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जाने के लिए लोगों को मैं बताना चाहूँगी www.jkphedwaterbilling.com पर वो जाएं और जो आपके रजिस्टर्ड कंज्यूमर IDs हैं वहाँ पर लॉग इन करके अपना कंज्यूमर ID देके जो भी आपके बकाया जात बिल हैं आप ऑनलाइन अपने घर पर ही वो बिल अदा कर सकते हैं। और इसमें अगर कहीं से ये भी कहना है लोगों का कि बिकॉज उनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं है तो वो किस तरह से अपने बिल जमा करें, उसके लिए ये भी कहना चाहेंगे लोगों से कि वो हमारे दफ्तर आ सकते हैं, जिसको ऑफलाइन भी जो चाहे यहाँ पे आके अपनी बिल जमा करवा सकते हैं। और बिलिंग में हमारा ये एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर बिल जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, अगर किसी का ज़्यादा बकाया जाता है तो वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी बिल जो है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा अंजुम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अब आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सालों से अपना बिल जो है वाटर बिल अदा नहीं किया है, 2 साल 3 साल से नहीं आया, उनको कैसे पता चलेगा कि अभी तक उनकी रकम जो है वो कितनी बन रही है? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास आपका अपना कंज्यूमर ID अवेलेबल है, जिसमें कि हम लोगों को ऑलरेडी पिछले कई सालों से ऑफलाइन भी बिल्स दे रहे थे जो कि इस फॉर्मेट में होती हैं, जो लोगों को हमने 2018, 2019, 2020 इन सालों में लोगों को मिल चुकी हैं, जिसपे उनका कंज्यूमर ID हमारा वाटर ये जो है वेबसाइट ID वगैरह सब कुछ है। अब अगर किसी के पास ये कंज्यूमर ID नहीं है या किसी वजह से उनको बिल नहीं मिली है, वो किसी भी वक्त हमारे ऑफिस में या कंट्रोल रूम में आके फ़ोन करके अपना कंज्यूमर ID या यहाँ पर अगर आए कंज्यूमर ID पता कर सकते हैं, जिससे वो अपनी बिल्स अदा कर सकते हैं। अच्छा, टैरिफ क्या है इसका, डोमेस्टिक या कमर्शियल की अगर बात करें तो साल का टैरिफ क्या है? जहाँ तक हमारे डोमेस्टिक जो बिलिंग का ताल्लुक है, ये रेट्स जो हमारे J&K वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी फिक्स करते हैं, तो फिलहाल हमारे जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनका हमारा फ्लैट रेट है ₹3,000 पर NM एक सालाना। और जहाँ तक हमारे सेमी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि शॉप्स वगैरह हैं, उनका हमारा है ₹3,500 पर NM, और उसके आगे जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका हमारा कनेक्शन के हिसाब से होता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 15 mm डाया कनेक्शन जब वो लेंगे तो ₹10,000 पर NM के हिसाब से उनको बिल या उससे ऊपर वो पे करना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पसमांदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, BPL है, तो उन जैसी कैटेगरीज के लिए आपने कुछ रेट रखा है या उनके लिए कुछ अलग सा रिजर्वेशन है इसमें? अभी तक ये गवर्नमेंट का इसमें कोई डिसीजन नहीं है, अभी तक डोमेस्टिक रेट्स ही हमारे फ्लैट हैं जो 3,000 पर NM है, जो कि ₹250 पर मंथ हमारा रेट बनता है। तो जब ये जब ऐसा कुछ होगा तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, तो अकॉर्डिंगली वो डिसीजन वहाँ से आएगा। अच्छा मैडम, कब तक इन लोगों को ये जो वाटर बिल्स है इसकी रकम जो है वो जमा करानी है, कौन सी डेट मुकर्रर की गई है इसके लिए, और अगर उस डेट के आसपास जो है वो बिल जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई ली जाएगी वो भी बताइएगा? यहाँ पर मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि वो 31 मार्च 2024 तक जो है अपना बिल मेहरबानी करके जमा कर लें, या ऑनलाइन कर लें या फिर यहाँ हमारे दफ्तर में आके वो जमा कर लें। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाए तो उसमें हमारा प्रोसीजर है कि लेट फीस, सबसे पहले लेट फीस उनको देना पड़ेगा, और उसके आगे फिर एज पर J&K वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी एक्ट जो रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर वो फीस किसी वजह से फीस जमा ना कर पाए तो उनको पहले नोटिस इजरा किया जाएगा और फिर एक्ट के हिसाब से ही कार्रवाई करते हुए ही उनको डिसकनेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर अनब्रीना अंजुम जी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले पहले लोग अपने वाटर बिल्स की जो जमा की रकम है वो जमा कराए, ऑफिस में आके भी जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, तो आप सब भी अपने वाटर बिल्स की जो रकम है वो जमा कराए, और अगर आपने वाटर बिल्स की रकम जो है अदा नहीं की, ये खास तौर पर श्रीनगर वालों के लिए नोटिफिकेशन है, तो आपके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके जो कनेक्शंस है उसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। एशिया न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।